नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। आज वक्त इंसाफ मांगने का है, आज वक्त सरकार से सवाल करने का है, आज लड़ाई सच की है, आज वक्त मुस्लिमों के हक हकूक का है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हल्द्वानी मामले में एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई जिसने देश भर के करोड़ों मुस्लिमों को बहुत बड़ा झटका दिया है। इतना ही नहीं, मुस्लिमों ने अब सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ने का आह्वान कर दिया है, जिसने दिल्ली में बैठे सत्ताधीशों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। एक ओर जहां सरकार सबका साथ सबका विकास का दावा करती है, यानी कि सबको साथ ले चलने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिमों पर जुल्म करती है। ऐसा हम नहीं, ये चर्चा अब चारों ओर हो रही है। हल्द्वानी मामले में पहले तो पुलिस प्रशासन ने अपनी मनमानी कर मदरसों पर बुलडोजर चलवाया, फिर मामला बिगड़ा तो मुस्लिमों को ही आरोपी बना दिया, लेकिन अब तो सारी हदों को पार कर दिया गया है। जी हाँ, सारी की सारी हदों को, यानी कि जो हम लोग सोचते हैं कि ये अंत होगा, नहीं। 50 साल की मुस्लिम महिला समेत अन्य 5 महिलाओं को हल्द्वानी हिंसा में आरोपी बनाया गया है। जी हाँ, 50 साल की महिला समेत 5 अन्य मुस्लिम महिलाओं को, जिसने सबको हैरान कर दिया। यहां तक कि अब इस मामले में अरशद मदनी से लेकर तमाम मौलानाओं ने सरकार से आर पार करने की ठान ली है। ये बात सुनकर यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। करोड़ों मुस्लिमों ने महिलाओं की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं और सरकार पर निशाना साधा है, क्योंकि उनका मानना है कि सरकार अपनी मनमानी करने में जुटी हुई है, जो ठीक नहीं है। क्या कुछ लोगों ने कहा है आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार ये भी जानते हैं कि किन किन आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, यानी कि हल्द्वानी में जो हिंसा हुई उसकी वजह से अभी तक पुलिस ने किन किन की गिरफ्तारी की है और उन पर क्या धाराएं लगाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले में पुलिस ने 50 साल की बुजुर्ग महिला और मां बेटी सहित कुल 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। उन पर पथराव, आगजनी, लोक सेवकों को जान से मारने की कोशिश का आरोप है। जी हाँ, पथराव, आगजनी और लोक सेवकों को मारने का ये आरोप लगाया गया है, जिसके तहत गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने महिलाओं पर बलवा सहित घटना की साजिश करने और आगे से नुकसान पहुंचाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब गिरफ्तार उपद्रवियों की संख्या 89 हो गई है। एसएसपी कैंप कार्यालय में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि बनभूलपुरा क्षेत्र के मलिक का बगीचा में 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन, नगर निगम और मीडिया कर्मियों पर पथराव किया था। इसके साथ ही आगजनी और गोलाबारी की हिंसक घटना भी की। इस पर बनभूलपुरा थाने में 3 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। मुकदमा संख्या 23/24 नगर निगम की ओर से दर्ज कराया गया था। इसके बाद पुलिस ने पहले मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही करीब 84 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं क्षेत्र में महिलाओं पर भी पथराव, आगजनी में सहयोग करने के आरोप थे, यानी कि जो पथराव हुआ, जो आगजनी हुई, उसमें महिलाओं ने भी उसमें अपना योगदान दिया, ये आरोप लग रहा है। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी और अन्य सबूतों को खंगालना शुरू किया। घटना में शामिल महिलाओं को चिन्हित किया गया। इसके बाद पुलिस ने 5 महिलाओं को मामले में गिरफ्तार किया है। इन महिलाओं में मां बेटी भी शामिल है, जिनके पति और पिता की पूर्व में मौत हो चुकी है। वहीं एक महिला 50 वर्ष की है, जबकि 2 महिलाएं 45 और एक महिला 33 साल की है। पुलिस ने इनके खिलाफ आईपीसी धारा 147, 148, 307, 332, 353, 435, 427, 120 बी 3/4 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मेडिकल प्रशिक्षण के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। बता दें, मालिक का बगीचा निवासी शमशीर और उसकी मां शहनाज, पत्नी स्वर्गीय जमील अहमद, सोनी पत्नी नाजिम, मिकरानी सलमान, पत्नी नफीज अहमद और इंदिरा नगर निवासी रेशमा, पत्नी मोहम्मद यामीन को जेल भेज दिया गया है। सोचिए, जिसके पति और पिता की मौत हो चुकी है, उन्हें भी पुलिस ने आरोपी बना दिया और आरोपों के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या यही इंसाफ है? क्या हल्द्वानी मामले में सरकार को कुछ नहीं दिख रहा?
आखिर क्यों सिर्फ मुस्लिमों को ही निशाने पर लिया जा रहा है, क्यों अब बहन बेटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। एक पत्रकार ने तो सवाल पर बड़ा हमला बोलते हुए, सरकार पर माफ कीजिएगा, बड़ा हमला बोलते हुए लिखा है कि सरकार से ये सवाल कर रहा हूँ कि मुस्लिम मर्द और मुस्लिम महिलाओं की गिरफ्तारी की गई, इनके घरों को डेमोलिश किया गया, इनके लोगों के घरों में जाकर मारपीट की गई, तो हिंदू समुदाय के साथ कानूनी कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? इसका जवाब सरकार के पास है या नहीं? एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अभी भी वक्त है, मुसलमान संभल जाओ, वरना इसी तरह तुम्हारे भाई बहन माँ को जेल में बंद रखा जाएगा और कुछ साल गुजरने के बाद पता ये चलेगा कि उनके खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण इन्हें रिहा किया गया है। अपने लोगों को सपोर्ट करो, क्योंकि वही अपना दर्द को आपका हक की आवाज समझ सकते हैं, बन सकते हैं। यानी कि अब पूरी तरह से सोशल मीडिया पर एक तरफा मुस्लिमों को सपोर्ट करने का जो ये ट्वीट है ये किए जा रहे हैं और लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं पर भी धाराएं लगाई जा रही हैं, मर्दों को भी जेल के अंदर भरा गया, ठूसा गया, उसको लेकर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या हिंसा एक तरफा हो रही थी? एक ही समुदाय के लोग क्या आपस में लड़ रहे थे? क्या दूसरे समुदाय के लोग हिंसा में लिप्त नहीं थे? जो गिरफ्तारी एक तरफा हो रही है, ये झूठ का साम्राज्य ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। न्याय राज्य की आत्मा होती है, जब न्याय खत्म हो जाता है तो राज्य मर जाता है। यानी कि लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हल्द्वानी में जो हिंसा हो रही थी, क्या उसमें सिर्फ एक ही पक्ष के लोग आपस में लड़ रहे थे, यानी कि मुस्लिम समाज के लोग ही दूसरे को के साथ लड़ रहे थे, उसमें क्या दूसरा पक्ष शामिल नहीं था? और ये कैसा रामराज्य है जहां पर हम परिकल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं सच की? एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हल्द्वानी हिंसा के आरोपों में नैनीताल से 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। अब महिलाओं की बात हो रही है तो बता दूं, मालेगांव बम धमाकों की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी से सांसद है और बाहर घूम रही है। एक बात और, कानून सबके लिए बराबर है। यानी कि प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसकी आरोपी है, उसके बावजूद वो बाहर घूम रही है, इसको लेकर भी लोग ट्वीट कर रहे हैं कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए ना। ये भेदभाव की राजनीति, ये अलग अलग कानून क्यों? अब बीजेपी सरकार में किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है आपके सामने है। अब इन मामलों पर हर कोई इस सवाल को उठा रहा है, एक नहीं कई तरह के, यहां तक कि पूर्व नौकरशाहों से लेकर तमाम पत्रकारों ने इस सवाल को उठाया है, लेकिन अभी भी केंद्र की मोदी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। आपको क्या लगता है, जो सरकार कर रही है वो सही है या गलत? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।